हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका स्टडी करेंगे। तो देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है ला वेली डेम सेंस मर्सी, अर्थात दयाविहीन स्त्री। तो इसके जो पोएट हैं वह है जॉन किट्स हैं। तो यह जो टाइटल लिखा हुआ है यह इंग्लिश भाषा में नहीं लिखा गया है, ठीक है, इस चीज़ को आप माइंड रखिएगा। तो इस कविता में जॉन किट्स जो हैं उन्होंने एक ऐसे योद्धा का वर्णन किया है जिसे कि प्रेम में धोखा मिल जाता है। तो वह योद्धा कोई और नहीं होता है बल्कि जॉन किट्स ही अपने आप को माने हैं, अर्थात रियल लाइफ में जॉन किट्स को एक स्त्री से धोखा मिल जाता है और उसी को उन्होंने इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। तो चलिए कविता देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस कविता में जो पहले के 3 स्टेंजा आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें कवि से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कवि से प्रश्न पूछा गया, अर्थात पोएट जॉन किट्स से प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद 3 स्टेंजा के बाद वह उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इस कविता को। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अच्छी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ व्हाट कैन एल, एल मतलब कष्ट होता है, दी मतलब तुम्हें, नाइट मतलब योद्धा और नाइट एट आर्म्स मतलब अस्त्र शस्त्र को धारण किया हुआ योद्धा, ठीक है। ओ व्हाट कैन एल दी, तुमको क्या कष्ट हो सकता है, ओ मतलब है नाइट एट आर्म्स, अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए योद्धा, अर्थात हे अस्त्र शस्त्र को धारण किए योद्धा तुमको क्या कष्ट हो सकता है, अलोन की अकेले, एंड पली पीले में चेहरे, लॉयटरिंग मतलब भटकना। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पली लॉयटरिंग, अर्थात हे अस्त्र शस्त्र को धारण किए योद्धा तुमको क्या कष्ट हो सकता है कि तुम अकेले और पीले में चेहरे के साथ भटक रहे हो। द सेज, सेज एक प्रकार के घास का नाम है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, लेक मतलब झील, विदर्ड मतलब सूख चुका है, तो यहाँ ई गायब है, देख सकते हैं। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्सिंग, द सेज मतलब सेज नामक घास हैज विदर्ड सूख चुका है, फ्रॉम द लेक मतलब झील से, एंड नो बर्सिंग और कोई पक्षी भी चचहा नहीं रहा है। द सेज हैज वेदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्सिंग, यानी झील से सेज नामक घास भी सूख चुकी है और कोई पक्षी भी चचहा नहीं रहा है, यानी कोई पक्षी गा नहीं रहा, इसका मतलब कोई पक्षी चचहा नहीं रहा है, यानी कोई भी नहीं है यहाँ पर, फिर भी तुम अकेले यहाँ क्यों भटक रहे हो, ऐसा पूछा जा रहा है योद्धा से। तो स्वयं योद्धा कौन है, वह कवि ही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर से। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पली लॉयटरिंग, यानी हे अस्त्र शस्त्र को धारण के योद्धा तुमको क्या कष्ट हो सकता है कि अकेले और पीले में चेहरे के साथ भटक रहे हो। द सेज हैड वेथर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्सिंग, अर्थात झील से सेज नामक घास भी सूख चुकी है और कोई पक्षी भी चचहा नहीं रहा है। तो यह पहले स्टेंजा में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो स्टेंजा है इसमें भी उस योद्धा से प्रश्न पूछा गया, उसको देखते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, अर्थात हे अस्त्र शस्त्र को धार के योद्धा तुमको क्या कष्ट हो सकता है, सो हागर्ड कि तुम इतने परेशान हो, एंड सो ओ विगन और इतने दुख से ग्रसित हो। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हागर्ड एंड सो ओ विगन, अर्थात हे अस्त्र शस्त्र को धार के योद्धा तुमको क्या कष्ट हो सकता है कि तुम इतने परेशान और इतने दुख से ग्रसित हो। द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, गिलहरी का अन्न भंडार भर गया, अर्थात गिलहरी ने अपने अन्न भंडार को भर लिया है, एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल की कटाई भी हो गई है, हार्वेस्ट मतलब फसल काटना, फसल की कटाई कर ली गई है, अर्थात फसल की कटाई भी हो गई है। इसके बाद यह तीसरा जो स्टेंजा है इसमें भी उस योद्धा से प्रश्न पूछा गया, उसको देखते हैं। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी अ लिली, मैं एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ ऑन दाई ब्रो, तुम्हारे मस्तक पर, यानी तुम्हारा मस्तक कुमुदनी के पुष्प के समान क्या हो गया है, सफ़ेद हो गया है, कुमुदनी का पुष्प जो होता है वह सफ़ेद होता है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे मस्तक पर एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ, अर्थात तुम्हारा मस्तक कुमुदनी के पुष्प के समान सफ़ेद हो गया है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे मस्तक पर एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ, अर्थात तुम्हारा मस्तक कुमुदनी के पुष्प के समान सफ़ेद हो गया है। विद एंग्विश्ड मोइस्ट, एंग्विश्ड चिंता, मोइस्ट मतलब नमी होता है या गीला होना या भीगा होना, एंड फीवर ड्यू,
फीवर मतलब बुखार, ड्यू मतलब ओस, बुखार का ओस मतलब पसीना, ठीक है ना। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर एंड फीवर ड्यू, अर्थात तुम्हारा मस्तक, तुम्हारा मस्तक चिंता और पसीने से भीगा हुआ कुमुदनी के पुष्प के समान सफ़ेद हो गया है। विद मतलब से, ठीक है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, अर्थात तुम्हारा मस्तक चिंता तथा पसीने से भीगा हुआ कुमुदनी के पुष्प के समान सफ़ेद हो गया है। एंड और ऑन दाई चिक्स, तुम्हारे गालों पर अ फेडिंग रोज, एक मुरझाता हुआ गुलाब, फास्ट मतलब तेज़ी से, विथर्ड टू मुरझा, सूखता भी है या मुरझाता भी है, विथर मतलब सूखना या मुरझाना। तो देखें, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, अर्थात तुम्हारा मस्तक चिंता और पसीने से भीगा हुआ कुमुदनी के पुष्प के समान सफ़ेद हो गया है। एंड ऑन दाई चिक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विथर टू, और तुम्हारा गुलाब और तुम्हारा गाल फेडिंग रोज, एक मुरझाते हुए गुलाब की तरह, फास्ट विथर टू, तेज़ी से सूख रहा है, तेज़ी से मुरझा रहा है। इसका मतलब है तुम्हारे गुलाबी गालों का गुलाबी रंग भी बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, सूख रहा है या फिर मुरझा रहा है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, अर्थात तुम्हारा मस्तक चिंता और पसीने से भीगा हुआ कुमुदनी के पुष्प के समान सफ़ेद हो गया है। एंड ऑन दाई चिक्स फेडिंग रोज फास्ट विथर टू, और तुम्हारा गुलाबी गाल भी बहुत तेज़ी से मुरझा रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखें, यहाँ से जो योद्धा है वह उत्तर देगा, ठीक है, चौथे स्टेंजा से। तो देखिए क्या उत्तर देता है। आई मेट अ लेडी, मैं एक महिला से मिला, इन द मिट्स, घास के मैदान में, ठीक है, मिट्स मतलब घास का मैदान या चरागाह। आई मेट अ लेडी इन द मिट्स, मैं घास के मैदान में एक महिला से मिला, सॉरी, फुल ब्यूटीफुल, पूरी तरह से सुंदर थी, अ फेयरिस चाइल्ड, जैसे कि वह एक परी की बालिका हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, हर फुट वाज लाइट, उसके पैर लाइट थे, हल्के थे, उसके पैर हल्के थे अर्थात वह थोड़ी दुबली पतली थी, पैर हल्का होने का मतलब है कि दुबला पतला होना। एंड हर आइस वर वाइल्ड, और उसकी आँखें जंगली थी या अजीब थी या विचित्र थी, ठीक है, अजीब, वाइल्ड। आई मेट अ लेडी इन द मिड्स, मैं घास के मैदान में एक महिला से मिला, फूल ब्यूटीफुल, पूरी तरह से सुंदर थी, अ फेयरिस चाइल्ड, मानो वह एक परी की बालिका हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे अर्थात वह थोड़ी दुबली पतली थी। एंड हर आइस वर वाइल्ड, और उसकी आँखें अजीब थी। तो इसके बाद और भी वह बताएगा। आई मेड अ गारलैंड, आई मेड, मैंने बनाया, अ गारलैंड मतलब फूलों, गारलैंड मतलब माला होता है, फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए। आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए फूलों की एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, ब्रेसलेट मतलब कंगन, और कंगन भी, अर्थात मैंने उसके सिर के लिए फूलों की एक माला बनाई और कंगन भी बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, फ्रेग्रेंट मतलब होता है सुगंधित, जोन मतलब करधनी, सुगंधित करधनी भी बनाया, तो इसका मतलब हो गया कि सुगंधित फूल वाली करधनी भी बनाया। आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जून, मैंने उसके सिर के लिए फूलों की एक माला बनाई, कंगन भी बनाए और सुगंधित करधनी भी बनाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी मतलब वह, लुक्ड मतलब देखी, एट मी मतलब मुझ पर, एज मतलब जैसे, सी डिड लव, वह प्रेम करती थी। तो सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, वह मुझे ऐसे देखी मानो वह प्रेम करती हो या प्रेम करती थी। एंड और मेड मतलब बनाई, स्वीट मोन, मधुर मोन मतलब आह भरना, ठीक है। आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जून, मैंने उसके सिर के लिए फूलों की एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, कंगन भी बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जून, और सुगंधित करधनी भी बनाया। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, वह मुझे ऐसे देखी मानो मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और मधुर आह बनाई अर्थात मधुर आह भरी। इसके बाद छठा देखते हैं स्टेंजा। आई सेट, मैंने स्थापित कर लिया, हर मतलब उसे, ऑन माई पेसिंग स्टीड, स्टीड मतलब घोड़ा होता है या वाहन होता है, पेस मतलब गति होता है। आई सेट हर, मैंने उसे स्थापित कर लिया, सेट मतलब स्थापित करना,
आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज घोड़े पर स्थापित कर लिया, अर्थात मैंने उसे अपने तेज घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स, और एंड मतलब और, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एल्स मतलब अन्य। एंड नथिंग एल्स सा, और अन्य कुछ भी नहीं देखा, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, और अन्य पूरे दिन कुछ भी नहीं देखा। फोर, क्योंकि साइड लॉन्ग एक तरफ, वुड सी बेंट वह झुकी हुई थी, एंड सिंग अ फेयरिस सॉन्ग और परियों के गीत को गा रही थी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, यानी मैंने उसे अपने तेज घोड़े पर स्थापित कर लिया, अर्थात मैंने उसे अपने तेज चल रहे घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और अन्य पूरे दिन कुछ भी नहीं देखा। फोर, क्योंकि साइड लॉन्ग वुड सी बेंट एंड सिंग अ फेयरी सॉन्ग, क्योंकि वह एक तरफ झुकी हुई परियों के गीत को गा रही थी। ठीक है, तो परियों के वह एक गीत को गा रही थी, इसी वजह से जो यह योद्धा है वह केवल उसी को क्या करता रहा, देखता रहा पूरे दिन। फिर से देखते हैं, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन कुछ भी नहीं देखा, और पूरे दिन अन्य कुछ भी नहीं देखा। फोर, साइड लॉन्ग वुड सी वेंट एंड सिंग अ फेयरी सॉन्ग, क्योंकि वह एक तरफ झुकी हुई परियों के गीत को गा रही थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी मतलब वह, फाउंड मतलब लाई, मी मतलब मेरे लिए, रूट्स कंदमूल ऑफ रिलाइज स्वीट, यानी मधुर स्वाद के। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलाइज स्वीट, वह मेरे लिए मधुर स्वाद के कंदमूल लाई। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद भी। एंड माना ड्यू, तो माना जो होता है वह अमृत माना मतलब होता है, या फिर जो देवता होते हैं उनके भोज्य पदार्थ यानी खाने पीने के सामान। ठीक है, तो सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलाइज स्वीट, वह मेरे लिए मधुर स्वाद के कंदमूल लाई। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद भी लाई। एंड माना ड्यू, और एक प्रकार का पेय पदार्थ, ड्यू मतलब ओस होता है, इसका मतलब है लिक्विड से संबंधित है। ठीक है, पीने वाले पदार्थ से संबंधित है। माना मतलब अमृत भी होता है। ठीक है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलाइज स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू, वह मेरे लिए मधुर स्वाद के कंदमूल, जंगली शहद और एक प्रकार का पेय पदार्थ लाई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और श्योर मतलब निश्चित रूप से, इन लैंग्वेज स्ट्रेंज विचित्र भाषा में, सी सेड, उसने कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुम्हें सच्चा स्नेह करती हूँ। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलाइज स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू, मेरे लिए मधुर स्वाद के कंदमूल, जंगली शहद और एक प्रकार का पेय पदार्थ लाई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू, और निश्चित रूप से स्ट्रेंज लैंग्वेज में, विचित्र भाषा में उसने कहा, आई लव द ट्रू, मैं तुम्हें सच्चा स्नेह करती हूँ। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेंजा देखते हैं। सी मतलब वह, टुक मी मुझे ली टू हर एल्फिन ग्रोट मतलब रहस्यमय गुफा। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वह मुझे अपने रहस्यमय गुफे में ले गई। एंड देयर, और वहाँ, सी मतलब वह, वेप्ट मतलब रोई, एंड साइड ई गायब है यानी कि यहाँ पर विलुप्त है। एंड देयर सी वेप्ट, और वह वहाँ रोई। एंड साइड फूल सोर मतलब दुख, और पूरे दुख से आह भरी, साई मतलब आह भरना। एंड देयर, और वहाँ, आई मतलब मैंने, सट मतलब बंद कर दिया, हर वाइल्ड आइस, उसकी अजीब अजीब आँखों को, विद किसेस फोर, चार किसेस से यानी चार चुम्बन से मैंने उसके अजीब अजीब आँखों को क्या कर दिया, बंद कर दिया, अर्थात अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फूल सोर, वह मुझे अपने रहस्यमय गुफे को ले गई, और वहाँ वह रोई और पूरे दुख के साथ आह भरी। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड आइड विथ किसेस फोर, और वहाँ मैंने उसके अजीब अजीब आँखों को चार किसेस से बंद कर दिया, अर्थात अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। तो स्टूडेंट्स, अगला स्टेंजा है, एंड देयर, और वहाँ, सी मतलब वह, लूल मतलब परी का गीत गाना। एंड देयर सी लुल्ड मी एस्लिप, और वह वहाँ परी के गीत को गाकर मुझे सुला दी। एंड देयर, और वहाँ, आई ड्रीम्ड, मैंने स्वप्न देखा, ओह अरे, ओ बी टाइड, ओ मतलब दुख या शोक, बी टाइड मतलब आ पड़ना। एंड देयर सी लुल्ड मी एस्लिप, और वहाँ वह मुझे परियों को गीत को गाकर सुला दी। एंड देयर आई ड्रीम्ड अह ओ बी टाइड, और मैंने वहाँ स्वप्न देखा, अरे दुख आ पड़ा, द लेटेस्ट ड्रीम,
सबसे अंतिम स्वप्न आई इवर ड्रीम जिसे मैंने कभी देखा ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी के बगल में, साइड मतलब बगल में, तो इवर मतलब कभी या सदैव। देखिए, एंड देयर सी लुल्ड मी आई स्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड अ ओ बी टाइड, और वह वहाँ मुझे परियों के गीत को गाकर सुला दी और मैंने वहाँ स्वप्न देखा, अरे दुख आ पड़ा। द लेटेस्ट ड्रीम आई इवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, यह मेरा अंतिम स्वप्न था जिसे मैंने कभी उस ठंडी पहाड़ी के बगल में देखा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कवि को अर्थात उस योद्धा को उसके बाद कभी ठीक से नींद ही नहीं आई, कोई स्वप्न वह देख ही नहीं पाया, उसको नींद ही नहीं आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं जो स्टेंजा है। तो स्टूडेंट्स, अगला स्टेंजा है, आई सा पल किंग्स, मैंने पीले राजाओं को देखा एंड प्रिंसेस टू, और राजकुमारों को भी, पल वैरियर्स यानी पीले में योद्धाओं को भी, डेथ पल मृतक के समान, पल मतलब पीले में, वर दे आलवे सभी थे। आई सा पल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पल वैरियर्स डेथ पल वर दे आल, यानी मैंने पीले में राजाओं को, पीले में राजकुमारों को और पीले में योद्धाओं को भी देखा, डेथ पल वर दे आल, वे सभी मृतक के समान पीले में थे। दे क्राइड, तो द नहीं दे रहेगा, दे क्राइड, वे चिल्ला कर कहते थे या वह चिल्लाते थे, ला बेली डेम सेंस मर्सी हैड दी इन थ्राल, कि दयाविहीन स्त्री ने तुम्हें थ्राल में ले लिया या शिकंजे में ले लिया है, दी मतलब तुम्हें। आई सा पल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पल वैरियर्स डेथ पल वर दे आल, यानी मैंने पीले में राजाओं को, पीले में राजकुमारों को और पीले में योद्धाओं को भी देखा, वे सभी मृत के समान पीले में थे। दे क्राइड ला वेली डेम सेंस मर्सी हैड दी इन थ्राल, वे चिल्ला कर कहते थे कि दयाविहीन स्त्री ने तुम्हें शिकंजे में ले लिया है या तुम्हें जाल में फंसा लिया है। आई सा दियर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लूम, आई सा मैंने देखा, दियर मतलब उनके, स्टारवेड मतलब सूखे या भूखे, लिप्स मतलब ओठों को, इन द ग्लूम मतलब अंधकार में, मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए ओठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग, हॉरिड मतलब भयानक, वार्निंग मतलब चेतावनी, गैपेड मतलब खुला हुआ, वाइड मतलब चौड़ा, गैप मतलब खाली होता है या खुला होना होता है। देखिए, आई सा दियर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैपेड वाइड, मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए ओठों को देखा जो कि बहुत अधिक खुलकर भयानक चेतावनी दे रहे थे, वाइड मतलब चौड़ा तो बहुत अधिक खुलकर, गैप। आई सा दियर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैपेड वाइड, यानी मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए ओठों को देखा जो कि बहुत अधिक खुलकर भयानक चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और मैं जाग गया, एंड फाउंड मी, और अपने आप को पाया, हियर मतलब यहाँ, ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी के बगल में। आई सा दियर स्टारवेड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैपेड वाइड, मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए ओठों को देखा जो बहुत अधिक खुलकर भयानक चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मैं जाग गया और अपने आप को यहाँ ठंडी पहाड़ी के बगल में पाया। एंड दिस इज़ वाई, यही वजह है, आई मतलब मैं, सौजर्न मतलब ठहरा हूँ, हियर मतलब यहाँ, एंड दिस इज़ वाई आई सौजर्न हियर, और यही वजह है कि मैं यहाँ ठहरा हूँ, अलून मतलब अकेला, एंड पॉली लॉटरिंग और पीले में चेहरे के साथ भटकता हुआ, एंड दिस इज़ वाई आई सौजर्न हियर अलून एंड पॉली लॉटरिंग, यही वजह है कि मैं यहाँ अकेला पीले में चेहरे के साथ भटकता हुआ यहाँ ठहरा हूँ। दो द सेज हैड वेथर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि लेक से या झील से सेज नामक घास भी सूख चुकी है, एंड नो बर्डसिंग, और कोई पक्षी भी चचहा नहीं रहा है। एंड दिस इज़ वाई आई सॉजर्न हियर अलोन एंड पली लॉटरिंग, यही वजह है कि मैं अकेला पीले में चेहरे के साथ भटकता हुआ यहाँ ठहरा हूँ। दो द सेज हैज वेथर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्डसिंग, यद्यपि झील से सेज नामक घास भी सूख चुकी है और कोई पक्षी भी चचहा नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको काफ़ी हद तक इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना अधिक लाइक करते हैं मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल नॉलेज बीम पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप मुझसे वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।